सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो एक बीमारी है जिसमें गर्दन की जो हड्डियां हैं घिस जाती हैं और गर्दन पर जगह जगह नसों पर दबाव आ जाता है, साथ में कुछ तकलीफ देखने को मिलती है जिसमें कंधे को उठाने में दिक्कत होती है जिसे हम एडिसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। कभी कभी ये दोनों बीमारियाँ एक ही मरीज में एक साथ देखने को मिलती हैं। ऐसे ही हमारे पास एक मरीज हैं, दादा हैं, इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही था और C5, C6 और C6-7 पर डिस्क की प्रॉब्लम भी थी, साथ में एडिसिव कैप्सुलाइटिस राइट शोल्डर। और ये इस तरह के जो मरीज हैं उनका इलाज बड़ा जटिल होता है, सामान्य तरीके से गोली दवाई से ये चीज़ें रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसी के लिए हमने दादा को एक सर्वाइकल एपिड्यूरल प्रोसीजर, सोडियम चैनल ब्लॉक और इंट्रा आर्टिकुलर प्रोरोथ थेरेपी, ये तीन का एक कॉम्बिनेशन से इनका इलाज किया। बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया होती है ये, 20 से 25 मिनट का समय इसमें लगता है और उसके बाद थोड़ा हमने फिजियोथेरेपी दादा को कराया। और अब हम दादा से ही पूछते हैं, दादा आपको कितने दिन से दिक्कत थी और हमको 3 माह हो चुके थे, 3 माह हो चुके थे, 3 माह के बाद हम ग्वालियर पहुंचे तो वो डॉक्टर बोलो कि भाई इसकी नस की दवाई ले जाओ, दवाई ले जाओ, ठीक है टाइम वहाँ से भी आराम हो जी, आपको नाम सुनो जी, यहाँ वहाँ बने जोड़ो आ जाओ डॉक्टर साहब हमारा अच्छे जी और एक बार दिखा लो जी। तो आप यहाँ आए तो आपने जाँच करके आपने स्थिति बताई जी, क्या लोग आए आज हमको पूरा नाम मेरा पूरा होश है हमारे को जी, हाँ कैसे यह लग जाए जी, अगर जब इंसान को जो सही भाव पहुँच जाए जी ठीक है। अभी आप दोनों हाथ जरा एक बार हमारे उठा के दिखा दीजिए, ये हम देख सकते हैं दादा तो दोनों हाथ दादा ने अपने बिल्कुल बराबर से उठा रखे हैं और अभी दादा अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन इनकी जो तकलीफ है ये इस तरह की लाइलाज बीमारियां होती हैं, आप नीचे कर सकते हैं, और इनसे मरीज सालों साल तक परेशान होता है और जो इलाज है वो बहुत सामान्य सा है लेकिन बड़े गिने चुने चिकित्सक उसको कर पाते हैं, हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकता। ये इस तरह की प्रोसीजर्स हैं जो कि हमारे देश में इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, US है, और वहाँ पर जो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट है वो एक बहुत ही उभरता हुआ और बड़ा टॉपिक है, मरीजों को आराम दिलाने के लिए, मरीज की तकलीफ को दूर करने के लिए एक अच्छा कारगर उपाय है। तो मैं चाहूँगा कि दादा की तरह हमारे अन्य मरीजों को भी लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।